नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रीकास्ट। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मानव कंकाल। दोस्तों इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों कंकाल का काम शरीर को ढांचा या आकार प्रदान करना और शरीर की बाह्य आघातों से रक्षा करना होता है। दोस्तों कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटल सिस्टम और एंडोस्केलेटल सिस्टम। बाह्य कंकाल कुछ कीड़ों और समुद्री जीवों जैसे घोंघा, सीप तथा बिच्छू, खटमल, मच्छर, कॉकरोच आदि में पाया जाता है। जबकि दोस्तों हम आंतरिक कंकाल की बात करें तो यह मनुष्य तथा और बाकी के सभी जानवरों जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता सभी में पाया जाता है। किंतु दोस्तों कछुए में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। कछुए के अंदर बाह्य जो कठोर आवरण होता है वो बाह्य कंकाल होता है और जो अंदर उसका मुंह और पैर होते हैं उसके अंदर जो कंकाल होता है वो आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल दोस्तों हड्डियों का बना होता है और हड्डियां कमजोर होती है। जो कमजोर हड्डियां होती है उन्हें उपास्थि कहते हैं। दोस्तों हड्डियों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिससे यह बहुत हार्ड होती है। इसके अलावा दोस्तों हड्डियों के अंदर कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है जिसके कारण जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें आसानी से आग लग जाती है। दोस्तों हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम कार्टिलेज की बात करें जो कि जॉइंट के वहाँ होता है, इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है जो इसे मुलायम बनाता है। इसके अलावा इसमें उपास्थि में कांड्रिन प्रोटीन होता है। हड्डी में भी फास्फेट होता है इसलिए किसी के शव को जलाने पर उसमें आसानी से आग लग जाती है। दोस्तों बोन जो होती है वो सामान्य अंदर से खोखली होती है जिसमें जाले के समान एक पदार्थ भरा रहता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि इसे ब्लड का निर्माण होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों बहुत सारी बोन मिलकर पूरे स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। वयस्क शरीर में 206 हड्डियां होती है जिसे दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों अपेंडिकुलर बोन बॉडी के मूवमेंट का कार्य करती है जैसे हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां और कमर की हड्डियां। उपांगी अस्थियों की संख्या 126 होती है। दूसरा एक्सियल बोन की बात करें तो ये शरीर के बीचों बीच ये जो आंतरिक अंगों की रक्षा करती है जो टोटल 80 होती है। इसमें पसलियां, रीढ़ की हड्डी और सर का स्कल भाग आता है जो कि रक्षा कवच का कार्य करते हैं। दोस्तों अगर हम अपेंडिकुलर बोन में हाथ की अस्थियों की बात करें तो इसमें 30 बोन होती है और दोनों हाथों की बोन मिलाकर 60 होती है। तो हाथ में सबसे पहले बोन होती है ह्यूमरस जो कि 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल जो कि 8 होती है, मेटाकार्पल 5 और बाकी 14 फेलेंजियस जो कि अंगुलियां होती है उनकी संख्या होती है 14। तो दोस्तों दोनों हाथों में टोटल 60 अस्थियां होती है। दोस्तों सेम वही सीक्वेंस पैरों के अंदर भी होती है। इसमें भी फीमर होती है सबसे पहले जिसकी संख्या 1 होती है, उसके बाद होती है पटेला। दोस्तों ये अस्थि एक्स्ट्रा जुड़ जाती है जो कि घुटने के अंदर पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल की संख्या दोस्तों इसमें 7 होती है। जबकि दोस्तों हमने हाथ के अंदर कार्पल की बात की थी तो उसकी संख्या 8 थी। उसके बाद दोस्तों मेटाटार्सल आती है, उसकी संख्या 5 होती है। उसके बाद फेलेंजियस जिसकी संख्या 14 होती है। दोस्तों अब अगर बाकी बची 6 बोन की बात करें तो 2 बोन पैरों के ऊपर वाले भाग में जिसे पेल्विस कहते हैं और बाकी की 2 बोन कॉलर के पास जिसे क्लेविकल या ब्यूटी बोन भी कहते हैं में होती है। बाकी की 2 बोन दोस्तों कंधे के यहाँ होती है जिन्हें के पुला बोन कहते हैं। दोस्तों अगर हम एक्सियल बोन की बात करें तो इसमें सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम या दंड कोश आता है। दंड कोश के अंदर दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु होती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दोस्तों 26 हड्डियां होती है। सबसे पहले सर्वाइकल जो कि टोटल 7 होती है जो C1 से C7 तक व्यवस्थित रहती है। C1 को दोस्तों एटलस कहते हैं, यही वो बोन होती है जो सर के भाग से जुड़ी रहती है। उसके बाद दोस्तों थोरेक्स होती है जो की संख्या में 12 होती है, फिर लंबर जिसकी संख्या 5, सेक्रम 1 और कोक्सिक्स जिसकी संख्या 1 होती है। अब अगर हम रिब्स की बात करें तो दोस्तों ये 24 होती है तथा इनके बीच में एक स्टर्नम होता है जो इन सब पसलियों को जोड़ने का कार्य करता है। रिब्स में लास्ट की 2 रिब्स 11वीं व 12वीं स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती है, इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब दोस्तों अगर हेड की बात करें तो इसमें 29 बोन होती है। किंतु खोपड़ी स्कल के अंदर 22 हड्डियां होती है। 7 बोन में 6 बोन कान में मेलस, इनकस और स्टेपिस तथा 1 हाइड बोन होती है जो की फांसी लगाते टाइम टूट जाती है। दोस्तों अगर स्कल की बात करें जिसमें की टोटल 22 हड्डियां होती है, उसमें 14 बोन फेस में होती है जिनमें मैंडिबल सबसे मजबूत होती है, इन्हें फेशियल बोन कहते हैं। बाकी की दोस्तों 8 हड्डियां क्रेनियल बोन कहलाती है जो कि सर के ऊपर वाले भाग में रहती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।